वीणा जी, आज जो भी हुआ वो नहीं होना था। आपने सोना से जो कुछ भी कहा सुनकर दिल खुश हो गया। आज सोना को एक ऐसी माँ मिली है जो हमेशा उसे सच्ची सलाह देगी। आज से सोना आपकी हुई वीणा जी। सुमन जी, मधुबाला जी, सोना जा रही है उसका मुंह सेलेक्ट कर। क्या सोच रही हो रहा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? सुमित, वो इतना सब कुछ हो जाने के बाद सिपी मेंशन में वापस जाना बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे। इफ यू डोंट माइंड, मेरे घर चल सकते हैं। तुम्हारे घर? आप दोस्ती ये ट्रस्ट करो ना यार। तुम सोफे पे सो जाना, मैं बेड पे सो जाऊंगा। नहीं, आई मीन ऑब्वियसली तुम बेड पे, मैं। चलो ना। रोहित, सोना, अब तुम दोनों पाटलों पे खड़े हो जाओ। सोनाक्षी, तुम कितनी खूबसूरत दिख रही हो। मुझे एक्चुअली रोहन की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं ये लोग कब आएंगे। एक्चुअली मैं चाहती थी कि तुम दोनों के गृह प्रवेश में पूरी फैमिली साथ में हो, बट कोई बात नहीं मॉम, हम सब है ना, क्यों? We'll make sure कि हम हमारी प्यारी सी सोना भाभी का वेलकम एकदम अच्छे से करेंगे, क्यों? रोहन, Thank you.
क्योंकि इसे तो बुखार है। कोई नहीं अंदर। अरे ठंडे पानी की पट्टियां लेकर आओ, जल्दी जल्दी आओ। जी मैं दवाई दे दी, बुखार कम हो जाएगा, डोंट वरी। आराम। थैंक गॉड जख्म गहरा नहीं था, गोली छूकर निकल गई। हम ड्रेसिंग करा के घर ले आए। थैंक यू झूलेलाल। रोहन अब तुम कुछ दिन के लिए ये घर से ही काम करो। बिल्कुल, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जी तानिया, रोहन अब ठीक है, देखो घर भी वापस आ गया है ना। चिंता की कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। हां तान्या, तान्या, रोहित भैया, सोनाक्षी भाभी कहीं बाहर ही तो नहीं रह गई?